खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। शादी और बर्थडे कार्यक्रमों की बुकिंग के बाद होटल कर्मी 10 लाख लेकर हुआ फरार। मोती डूंगरी स्थित लेमनेड होटल के प्रबंधक ने करवाई FIR। बहरोड रोड पर 6 बीघा जमीन से हटाई अवैध प्लॉटिंग, UIT दल ने चलाया बुलडोजर। महंत बालकनाथ को CM बनाने की मांग पर सरपंचों ने किया हवन यज्ञ। हनुमान सर्किल मंदिर पर हुआ आयोजन। वहीं राजस्थान के लिए राजनाथ सिंह सहित बनाए 3 पर्यवेक्षक। और रिश्वतखोर ASI को 4 साल के लिए भेजा जेल। रैनी क्षेत्र में रिश्वत मांगने के आरोप में ACB कोर्ट ने सुनाई सजा। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। अलवर शहर के मोदी डूंगरी स्थित लेमनेड होटल में कार्यरत कर्मचारी ने शहर के अनेक लोगों की बुकिंग शादी, सगाई और बर्थडे आदि कार्यक्रमों के लिए कर ली। इसके बाद 9,82,000 रुपए का एडवांस बुकिंग पेमेंट लेकर फरार हो गया। होटल प्रबंधक विकास यादव ने सेल्समैन सन्नी महाजन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी है। अरावली विहार थाने में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार सन्नी महाजन उनके होटल में बतौर सेल्समैन वर्ष 2019 से कार्यरत था। उसने होटल में कई तरह के आयोजन की बुकिंग कर ली और अग्रिम राशि खुद रख ली। जब ग्राहक आगे आने लगे तो पता चला कि उन्होंने सन्नी को अग्रिम राशि दे रखी है, लेकिन उसने होटल में यह रकम जमा नहीं कराई थी। इसके बाद अचानक सन्नी नदारद हो गया। यह राशि करीब 9,82,000 रुपए है। आरोपी ने लोगों से 5,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की बुकिंग राशि ले रखी थी। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। श्री विकास कुमार यादव, मैनेजर होटल लेमनडे मोती डूंगरी ने थाना रावलीवार पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उनके होटल में सेल्समैन के पद पर कार्यरत सन्नी महाजन, पुत्र विमल महाजन काम करता था, जो ग्राहकों से अग्रिम राशि का भुगतान प्राप्त किया था करीब 9,82,000 रुपये, वो लेकर फरार हो गया है, जिसके संबंध में मुकदमा दर्ज किया जाकर अग्रिम अनुसंधान जारी है। अलवर शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र स्थित मोती डोंगरी पर लेमनेड होटल है, जिसमें एक सेल्स जो मैनेजर था वह करीब 9,85,000 रुपए लेकर फरार हो गया। यह राशि उन व्यक्तियों की थी जो होटल में किसी भी विवाह समारोह या छोटे मोटे कार्यक्रमों के लिए यहाँ होटलों को बुक करते हैं। वहीं इसमें ऑनलाइन और कुछ नगद राशि यहाँ पर जमा की गई थी। इन पूरी राशि का जो भी भुगतान था वो उसी सनी महाजन के पास था, जो सेल्समैन है वो वहाँ से फरार हो गया है। 1 तारीख से वह फरार है, जिसके बाद अरावली विहार थाने में विकास यादव जो बहरोड के निवासी है उन्होंने मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। लेकिन 9,85,000 की राशि को लेकर इस तरह सेल्समैन का जाना और इस तरह से इतने दिन बाद मामला दर्ज कराना एक संदेहास्पद स्थिति प्रकट करता है। वहीं होटल जो मालिक है वह इस मामले में कुछ भी कहने से साफ इनकार कर रहे हैं। भगवान सैनी। विधानसभा चुनाव होते ही अलवर UIT एक्शन मोड में आ गई है। शुक्रवार सुबह UIT के दल ने बहरोड रोड पर अवैध प्लॉटिंग हटाने की कार्रवाई की। UIT के तहसीलदार ने बताया कि यहां करीब 6 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग मिली है। इस जगह पर कच्ची रोड डालने के बाद प्लॉट बेचे गए हैं। सूचना की पुष्टि करने के बाद अतिक्रमण निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। वहीं बुलडोजर के जरिए सड़क को तोड़कर प्लॉटिंग हटा दी गई। UIT अधिकारी का कहना है कि विधानसभा चुनाव के दौरान कई जगहों पर अवैध प्लॉटिंग बढ़ने की शिकायतें मिली हैं, इसके चलते कार्रवाई शुरू की गई है। हालांकि चुनाव से पहले भी अलवर UIT ने भूगोर बाईपास, रामगढ़ रोड और जयपुर मार्ग पर अवैध प्लॉटिंग हटाई थी। उधर UIT कार्मिक सोनम बंसल ने बताया कि यहां पहले भी अवैध प्लॉटिंग करने वालों को नोटिस दिए गए थे, इसके बावजूद जब यह सिलसिला नहीं रुका तो कार्रवाई की गई है। बिना कन्वर्जन की कार्रवाई करवाए हुए इन्होंने
ये यहाँ पे प्लॉटिंग की कार्रवाई कर ली है, जिसके लिए पूर्व में भी इसमें हमने तोड़ने की कार्रवाई की थी सड़कों को, और ये वापस इसमें सड़क बना ली है, WBM रोड बना दिए इन्होंने। लिखित रूप से शिकायत आई है जिसके तहत आज फिर पुनः कार्रवाई की जा रही है JCB से, इसको तोड़वाने की, सड़कों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। ये क्या एग्रीकल्चर प्लॉटिंग है? हाँ जी, एग्रीकल्चर प्लॉटिंग है, ये काश्तकारों की ज़मीन है, उसको कन्वर्जन करने के बाद ही हम लोग कार्रवाई करते हैं, परमिशन देते हैं इसके लिए। बिना लैंड यूज चेंज के वाला? हाँ, बिना लैंड यूज चेंज के वाला। ऐसी और भी कहीं चलेगी, ये की जगह है अभी हमारे यहाँ, मेरा जो हमारा कार्य क्षेत्र है वो इधर साइड का ही है, जटियाना का ही है, तो जटियाना की अभी लिखित में शिकायत आई है, तो मेरे द्वारा तो जटियाना में ही हटवाई जाएगी। तिजारा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज करवाने वाले महंत बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाने की मांग सामने आई है। शहर के हनुमान सर्किल स्थित हनुमान मंदिर पर सरपंच संघ की ओर से सैकड़ों सरपंचों ने हवन यज्ञ किया। संगठन के जिलाध्यक्ष अशोक यादव ने बताया कि पूरे राजस्थान में महंत बालकनाथ योगी को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग को लेकर हवन यज्ञ किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अलवर में भी सरपंचों ने यह आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि महंत बालकनाथ मुख्यमंत्री बनने के लिए सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार हैं। जो हवन यज्ञ किया है, ये हमारे तिजारा के विधायक महंत बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरे जिले भर के सैकड़ों सरपंचों ने हनुमान सर्किल के ऊपर अलवर में हनुमान मंदिर में हवन यज्ञ किया है, और हम कामना करते हैं हमारे अलवर के जिला सरपंच संघ और पूरे राजस्थान में जो हवन यज्ञ हो रहा है उसी की भांति हमने भी यहाँ पे, तो तिजारा में हवन यज्ञ चल रहे हैं, हम कामना करते हैं हमारे सरपंच संघ सारे मिलकर ये कहते हैं कि हमारे बाबा बालकनाथ को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाए। और वहीं राजस्थान के नए CM के चयन से पहले पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह सहित राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे शामिल हैं। आधिकारिक कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है, लेकिन 10 दिसंबर को विधायक दल की बैठक हो सकती है, साथ ही 15 दिसंबर तक शपथ ग्रहण हो सकता है, क्योंकि 16 तारीख से मल मास आरंभ हो जाएंगे। गत रात्रि वसुंधरा राजे ने राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के साथ बैठक भी की, वहीं प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी भी दिल्ली पहुंच गए हैं। राजस्थान में रविवार तक विधायक दल की बैठक होने की संभावना है, जिसमें ये पर्यवेक्षक हिस्सा लेंगे। यहां CM का नाम औपचारिक रूप से तय होगा। इसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में आधिकारिक घोषणा की जाएगी। रामगढ़ निवासी ASI हाकम दीन को रिश्वत मामले में ACB कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है। हाकम दीन वर्ष 2017 में रैणी थाने में तैनात था, और उसने जमीन के विवाद में गिरफ्तार नहीं करने के बदले रिश्वत मांगी थी। हाकम दीन अब SI है। 23 मार्च 2017 को ACB में परिवादी बहादुरपुर रैणी निवासी राम गोपाल मीणा ने लिखित शिकायत दी थी। जिला अभिभाषक संघ की कार्यकारिणी के चुनाव शुक्रवार को कोर्ट परिसर स्थित पुस्तकालय कक्ष में करवाए गए। यहां सुबह 9 से शाम 4 बजे तक मतदान प्रक्रिया जारी रही, साथ ही गहमा गहमी भी नजर आई। चुनाव अधिकारी सुखबीर यादव ने बताया कि राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश पर अलवर सहित पूरे राजस्थान में अभिभाषक संघ के चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं। अलवर में कुल 1,288 मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर सकेंगे। यहाँ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित 11 पदों के लिए चुनाव हो रहे हैं। अध्यक्ष पद पर अनिल वशिष्ठ और राकेश शर्मा सहित कुल 22 प्रत्याशी मैदान में हैं। मतदान होने के बाद मतगणना शुरू हुई, जो देर शाम तक जारी रही। बार एसोसिएशन अलवर के राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश पर पूरे राजस्थान में एक साथ चुनाव हो रहे हैं, जो एक डेट फिक्स कर दिए उसके साथ ही अलवर बार एसोसिएशन के चुनाव हो रहे हैं। और हमारा जो मतदान का जो समय है सुबह 9 बजे से और 4 बजे तक है। कुल 1,280 मतदाता हैं, कुल 11 पद हैं जिनमें 22 प्रत्याशी हैं। अध्यक्ष की आमने सामने फाइट है, अनिल वशिष्ठ और राकेश बिट्टू दो ही पदाधिकारी पद पर हैं बस। और शाम को 4 बजे तक हमारी वोटिंग है, उसके बाद 1 घंटा छटने के बाद 5 बजे से काउंटिंग चालू। उच्च न्यायालय के निर्देश पर पूरे राजस्थान में चुनाव होने हैं, तो माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था, जिसमें वन बार वन वोट के सिद्धांत लागू करते हुए एक तारीख तय कर दी थी कि 8 दिसंबर को संपूर्ण राजस्थान में पूरे बार एसोसिएशनों के एक साथ चुनाव होने हैं। उसी प्रक्रिया में, उसी निर्णय की पालना में आज हम 8 दिसंबर को यहाँ अलवर बार एसोसिएशन के चुनाव करा रहे हैं। हमारे यहाँ पर 6 पदाधिकारी और 5 कार्यकारिणी मेंबर चुने जाते हैं, जिनमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष,
सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, स्थायी अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, जो 5 कार्यकारिणी सदस्य चुने जाते हैं, इस तरह कुल 11 कि हमारी चुनाव से चुनाव। टोटल कितने मतदाता हैं अपने? हमारे यहाँ 1408 मतदाता हैं, टोटल 1408। राजस्थान के इतिहास में पहली बार पूरे राजस्थान में एक साथ आज हर जिले में चुनाव हो रहे हैं विधानसभा की तर्ज पर, और अलवर जिले में भी इसके तहत चुनाव हो रहे हैं। यहाँ पर अध्यक्ष पद हेतु 2 प्रत्याशी हैं, जिनमें मैं हूँ, एक राकेश शर्मा जी हैं। इसके अलावा उपाध्यक्ष, प्रधान सचिव, कोषाध्यक्ष, कार्यकारिणी मेंबर और सचिव पद हेतु मतदान है, करीब 1500 मतदाता हैं। और मेरी जहाँ तक बात है, प्राथमिकता यही है कि बार बेंच में सामंजस्य बना रहे ताकि पीड़ित वर्ग जो न्यायालय में आता है उसको सस्ता सुलभ न्याय मिले, उसको न्याय में देरी नहीं हो। और युवा अधिवक्ताओं के लिए, वकीलों के लिए वेलफेयर स्कीम जो चालू कुछ हमारी हैं उनको आगे बढ़ाया जाएगा, इन्हीं मुद्दों से समझ। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जिले के 3 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार वे बहरोड, तिजारा, अलवर शहर, कटुमर सहित बानसूर विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। इन सभी क्षेत्रों में कांग्रेस की विधानसभा चुनाव में हार हुई थी। दौरे में जिलाध्यक्ष सहित पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक भी साथ रहेंगे। इस दौरान इन सीटों पर हार के कारणों की समीक्षा करते हुए कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा, साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव पर भी चर्चा होगी। देखिए, विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और वैसे हमारी पार्टी के जिले में परफॉर्मेंस अच्छी रही है। भाजपा से राज्य में चाहे उनकी सरकार बन रही हो, लेकिन अलवर जिले की परफॉर्मेंस भाजपा से हमारी अच्छी रही है। फिर भी 11 में से हम 6 विधानसभा जीते, तो 5 विधानसभा जहां हारे हैं वहां क्या कमजोरी रही उसकी समीक्षा बैठक हम विधानसभा में जाकर कर रहे हैं। वहाँ हमारे नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री सम्मान्य भंवर जितेंद्र सिंह जी, मैं स्वयं और हमारे जो 6 विधायक जीते सब 10, 11 और 12 3 तारीख को इन विधानसभाओं के दौरे रखेंगे, समीक्षा करेंगे और जो कमियां रही हैं उनमें सुधार करके फिर आगे हम पार्लियामेंट चुनाव की तैयारी करेंगे और हमारे नेता भंवर जितेंद्र सिंह जी को पार्लियामेंट चुनाव भी इस बार हम जीता करके लोकसभा में भेजेंगे। सर, कौन कौन सी विधानसभा में जाएंगे आप? तो बहरोड, तिजारा, कठुमर, अलवर शहर और बानसूर, ये 5 विधानसभा हमारे हैं, तो 5ों में हम समीक्षा करेंगे। तो फिलहाल 10 तारीख को हम जाएंगे बहरोड, उसके बाद फिर तिजारा, फिर कठुमर, उसके बाद बानसूर और अलवर शहर कार्यक्रम रखेंगे। सभी विधानसभाओं में जो हमारे जीते हुए 6 की 6 विधायक वो हमारे साथ रहेंगे और हमारे कार्यकर्ताओं से जा करके क्या हमारी कमी रही उनकी समीक्षा करके उनमें सुधार करेंगे। ग्राम पैतपुर के खेत में सिंचाई करते वक्त हाई वोल्टेज लाइन नीचे गिरने से आए करंट के चलते किसान ने दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार 42 वर्षीय भगवान साय मूल रूप से रैनी क्षेत्र का निवासी था और फिलहाल पैतपुर में रह रहा था। सुबह खेत में पानी लगाते वक्त जैसे ही स्टार्टर से लाइट शुरू की तो 11,000 केवी की विद्युत लाइन नीचे गिर गई, करंट से किसान झुलस गया, जिसे जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। खेत में पानी मोटर था, लाइट लग गई, बस वहीं गिर पड़ा। फिर खूब कूटा है लेकिन होश ही नहीं आया इसको। कौन सा जगह कर रहा था ये? नहीं, काम नहीं, पैतपुर में पानी मोड़ रहा था। कौन सा गांव है? पैतपुर। पैतपुर में थाना कौन सा लगता है? थाना तो हमारा अकबरपुर लगता है। अकबरपुर, अकबरपुर। हाँ, अच्छा, तो खेत में गिर पड़ा। हाँ, पानी लगा रहा था, स्टार्टर पानी में लगा रहा था ना, स्टार्ट करंट में। हाँ, करंट लग गया। किसका? लाइट का। 11,000 का लाइन टूट गई। फिर सूचना पे कोई पहुंचे के मौके पे? पहुंचे नाम में, वहाँ पहुंचे थे और भी पहुंचे वहाँ से। कितने बच्चे? बिजली वाले पहुंचे? बच्चे 3 हैं। दो हैं, एक लड़की, एक लड़का। कितनी उम्र है इसकी? उम्र 40 करीब होगी। खेती से बढ़कर ना तो कोई व्यवसाय है और ना ही कोई नौकरी, यह कहना है 39 साल के युवा किसान ऋषि राज यादव का। इस साल के शुरुआत तक ऋषि राज को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा था और कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। इतनी राशि भी नहीं थी कि कोई बिजनेस शुरू किया जा सके। पिता की 5.5 बीघा खेती की जमीन के अलावा कोई संसाधन नहीं था। आखिरकार ऋषि राज ने उसी जमीन में केले की फसल लगाई। यह फसल गत मई माह में लगाई गई थी और अब 20 लाख की उपज तैयार होने को है। गौरतलब है कि केले की फसल लागत का 6 गुना मुनाफा देती है। इस तरह इस युवा किसान ने सही जानकारी और मिट्टी के परीक्षण के जरिए अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया और सफल भी हुआ। ऋषिराज यादव अलवर से कोटपुतली जाने वाले स्टेट हाईवे स्थित बानसूर कस्बे के बुचियास गांव के निवासी हैं।
इस इलाके में गेहूं, सरसों, बाजरा और सब्जियां बोई जाती रही हैं, लेकिन केले के खेत देखकर हर कोई ठिठकता है। यह केला टिश्यू कल्चर यानी कलम विधि से रोपा गया है। मैंने बीए की पढ़ाई की है। बीए करने के बाद में मैंने नौकरी की काफ़ी तलाशी की है। नौकरी ना मिलने के कारण मैंने अपने खेतीबाड़ी में ही मन लगा लिया और खेतीबाड़ी करने का आइडिया किसान पाठशाला के जरिए आया। किसान पाठशाला को मैंने देखते हुए वहाँ से केले की जानकारी मिली और फिर मैंने उन्हीं की गाइडलाइन के अनुसार ये केले के पौधे लगाए हैं। इनमें काफ़ी अच्छा मुनाफा देखते हुए मैंने इसी की खेती शुरू की है। 5.5 बीघा ज़मीन में कितना मुनाफा हो जाएगा? 5.5 बीघा ज़मीन में कम से कम 10 से 15 लाख रुपए के लगभग मुनाफा होगा। कुल मिलाकर यदि परंपरागत धरे से हटकर नई प्रगतिशील सोच के साथ खेती की जाए तो नए आयाम स्थापित किए जा सकते हैं। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटील टीवी। बेहतरीन खेतों से चुनी मिर्च, जिससे बनता है जी प्योर का लाल मिर्च पाउडर और आपके डिश को बना दे जो हेल्दी, ऐसा है जी प्योर का हल्दी पाउडर। कड़कती महक और स्वाद बढ़ा दे, ऐसा जी प्योर का धनिया पाउडर। बेहतरीन मसालों के साथ जे प्योर, जो हर रसोई का है पहला प्यार। जे प्योर स्पाइसेस, द हार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग। बाबा कैटरर्स लाए हैं बेहतरीन कैटरिंग सेवाएं। देश विदेश में बाबा ठाकरदास स्वीट्स के जरिए परचम लहराने के बाद आपके लिए अब हाजिर है कैटरिंग सर्विस। इसमें डायमंड, गोल्ड और सिल्वर मेन्यू के जरिए आप पा सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार शानदार व्यंजन। फिर चाहे वह वेलकम ड्रिंक हो, कॉफी बार, शेक, मॉकटेल और जूस, स्नैक्स काउंटर, सूप और चाट काउंटर, फ्रूट्स पार्लर, साउथ इंडियन पिज्जा पास्ता काउंटर, चाइनीज बफे, पंजाबी तड़का, डेजर्ट में बाबा ठाकरदास स्वीट्स की मिठाइयों सहित आइसक्रीम पार्लर, साथ में है मेन कोर्स के तहत कई स्वादिष्ट व्यंजन। वहीं फेरों की सर्विस, हल्दी मेहंदी प्रोग्राम और संगीत डिनर सहित शानदार बनाएं हर अवसर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपका अपना बाबा कैटरर्स। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटील टीवी। अलवर डाइट के एजुकेशन प्रौद्योगिकी सेल की ओर से कक्षा 1 से लेकर 5 तक के शिक्षकों की ई कंटेंट निर्माण कार्यशाला संपन्न हो गई, जिसका समापन शुक्रवार को नजर बगीचे स्थित डाइट छात्रावास में हुआ। इस दौरान सभी ब्लॉक से करीब 40 संभागीय शिक्षकों को ई कंटेंट बनाना सिखाया गया। श्रेष्ठ कंटेंट का राज्य स्तर पर चयन भी होगा। वहीं से विद्यार्थियों को रुचिकर ढंग से पढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रकोष्ठ प्रभारी संगीता यादव ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। डाइट अलवर में 5 दिवसीय ई कंटेंट निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें 40 संभागियों ने भाग लिया था। इसमें कक्षा 1 से 5 तक के लिए रुचिकर कंटेंट विद्यार्थियों के लिए बनाया गया। इनमें से जो अच्छे कंटेंट होंगे उनका आगे जाके राज्य स्तर पर चयन होगा और भविष्य में बच्चों के शिक्षण में काम आ पाएंगे। आज समापन है इसका 5 दिवसीय कार्यक्रम। महावीर इंटरनेशनल केंद्र और गेल इंडिया की ओर से शांतिकुंज स्थित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में शुक्रवार को नेत्र जांच एवं ऑपरेशन शिविर लगाया गया। शिविर में डॉक्टरों द्वारा मरीज को निशुल्क जांच कर परामर्श दिया गया। वहीं मोतियाबिंद ग्रस्त रोगियों को चिन्हित कर नेत्र ऑपरेशन किए गए। केंद्र के अध्यक्ष जिनेन्द्र जैन ने बताया कि शिविर में 90 मरीजों की आंखों की जाँच की गई और 30 के ऑपरेशन किए जाएंगे। महावीर इंटरनेशनल और गेल इंडिया के जो CSR इनिशिएटिव है उसके तहत ये कैंप लगाया जा रहा है और इसमें अभी तक 90 हमने पेशेंट आज देखे हैं और लगभग 30 ऑपरेशन इसमें शाम को होंगे और ऑपरेशन करने के बाद पेशेंट को, पेशेंट के परिजन को
और इन सबको रात भर यहीं रखा जाएगा और कल सवेरे इनको फ्रूट्स, दवाइयाँ, काला चश्मा और डिस्चार्ज टिकट देके भेजा जाएगा। और वहीं महावीर इंटरनेशनल केंद्र की ओर से शनिवार को शांतिकुंज स्थित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में हड्डी एवं जोड़ रोग परामर्श शिविर लगाया जाएगा। केंद्र के कोषाध्यक्ष हेमंत मोदी ने बताया कि फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल जयपुर के सहयोग से शनिवार दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक यह निःशुल्क शिविर लगेगा। इस दौरान डॉक्टर हार्दिक साहनी मरीजों को निःशुल्क परामर्श देंगे। महावीर इंटरनेशनल के अलवर केंद्र आचार्य हस्ती चिकित्सालय में कल 9 तारीख को जो है 12 बजे से और 4 बजे तक हड्डी जोड़ रोग विशेषज्ञ जो है फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर से डॉक्टर हार्दिक साहनी आएंगे। वो यहाँ पर मरीजों को जो है निशुल्क जांच करेंगे और उनको दवा देंगे और अगर कोई ऑपरेशन की एडवाइस है तो वो भी करेंगे। ये सारी व्यवस्था आचार्य हस्ती चिकित्सालय की ओर से निशुल्क की जा रही है। मरीजों को अधिक से अधिक लाभ अलवर शहर में जयपुर का डॉक्टर आकर देख ले, इसलिए ये व्यवस्था की गई है। गोविंदगढ़ क्षेत्र में व्यापारी के साथ 6,80,000 की लूट के मामले में वांछित आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। मिलकपुर का यह शातिर मौसम 10,000 का इनामी बदमाश है। एसपी आनंद शर्मा के अनुसार पीड़ित के नौकर रूपचंद ने कुछ लोगों के साथ लूट की योजना बनाई थी, इनमें मौसम भी शामिल है। बात करते हैं रैनी की, जहां पंचायत समिति के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कानेटी में रक्तकोष इनाया फाउंडेशन की ओर से प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को चरण पादुका वितरित की गई। अलवर के पूर्व कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह आयोजन हुआ। फाउंडेशन से जुड़े रोहित शर्मा के अनुसार डॉक्टर सोनी ने ही यह अभियान शुरू किया था। इसके तहत अब तक 3,00,000 से भी अधिक चरण पादुकाएं वितरित की जा चुकी हैं। इस अवसर पर प्रधानाचार्य निर्मला कुमार मीना, गोविंद शिवदयाल मीना, संदीप कुमार, कुसुम लालूराम मीना, अनिल कुमार शर्मा और गुड्डी मीना आदि मौजूद रहे। मालाखेड़ा क्षेत्र के ग्राम मोहब्बतपुर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्र छात्राओं को गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर शशि शर्मा ने बताया कि अंबुजा सीमेंट ब्यावर के सेवानिवृत्त सीनियर मैनेजर दिनेश देवगोका और वर्तमान प्रबंधक प्रविंद्र शर्मा द्वारा यह वितरण किया गया। इस दौरान अंकिता अग्रवाल ने नगद राशि का सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम में ममता शर्मा, बच्चू सिंह भागचंद और राशि शर्मा आदि उपस्थित रहे। शिक्षा पाओ ज्ञान बढ़ाओ प्रतियोगिता 25 दिसंबर को रैनी में आयोजित होगी। जिले के रैनी उपखंड क्षेत्र में ग्रामीण बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने और प्रतिस्पर्धा विकसित करने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए कक्षा 6 से 12 तक के बच्चे 10 दिसंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। प्रतियोगिता सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रैनी में होगी। साथ ही सफल बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। SBGBT के कार्यकर्ता सुखराम मीणा ने यह जानकारी प्रदान की। अभिभाषक संघ मालाखेड़ा में अध्यक्ष पद पर एडवोकेट तेज सिंह चौधरी निर्वाचित हुए हैं। साथ ही शुक्रवार को हुए चुनाव में सचिव पद पर एडवोकेट निहाल योगी को चुना गया। मालाखेड़ा क्षेत्र के एडवोकेट्स ने दोनों का साफा बांधकर स्वागत किया। इस अवसर पर एडवोकेट सुषमा गुड्डी नायक, देवेंद्र प्रधान, सुनील चौधरी, फूल सिंह चौधरी और इंदर यादव सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे। रैनी के ग्राम बैरेर में श्रीमद् भागवत गान यज्ञ जारी है। इसके तहत ईश्वर के अनेक रूपों के बारे में बताया गया और देव की वासुदेव पर कंस के अत्याचारों का वर्णन हुआ। समाज सेवी मनीष तिवारी ने बताया कि इस दौरान श्री कृष्ण जन्म भी धूमधाम से मनाया गया। कथावाचक आचार्य ने बताया कि जब जब इस धरती पर पाप बढ़े हैं तो भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेकर प्रकट हुए हैं। वहीं इस दौरान श्रद्धालु रामल्या पटेल, गोकुल पटेल, घनश्याम तिवारी, सोनू शर्मा, टिकाई सिंह, पर्वत सिंह और सरदार सिंह आदि उपस्थित रहे। और बात करते हैं अकबरपुर की, जहां ग्राम पंचायत में SFC राज्य वित्त आयोग के फंड से विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसके तहत बन रही इंटरलॉकिंग सड़क का सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल ने निरीक्षण किया। साथ ही कार्य की गुणवत्ता की भी जांच हुई। वहीं ग्रामीणों की मांग के अनुसार कार्य करवाने के लिए मजदूरों को कहा गया। महेश पटेल ने बताया कि 5,00,000 रुपए की लागत से रोड बनाया जाएगा। राधेश्याम सेन के घर से बलराम गुप्ता के घर तक ये रोड बन रहा है।
ये SFC पंचायत समिति की योजना के तहत बन रहा है। कितने किलोमीटर का ये? करीब 5200 स्क्वायर फीट के करीब रोड बनेगा ये, और इसकी जो सेंक्शन है वो 5,00,000 रुपए की। उमरेन पंचायत समिति सभागार में शुक्रवार को विकास अधिकारी वीरेंद्र शर्मा ने नरेगा कनिष्ठ सहायकों की मीटिंग ली। इस दौरान कर्मचारियों को आधार सीडिंग, जियो ट्रेनिंग, टैगिंग आदि के कार्यों के बारे में बताया गया। आचार संहिता हटने के बाद यह बैठक की गई, इसके चलते अब रुके हुए कार्य भी किए जा सकेंगे। पल्स पोलियो अभियान को लेकर अकबरपुर स्वास्थ्य केंद्र पर मीटिंग आयोजित की गई। इस दौरान आंगनबाड़ी आशा सहयोगिनी और ANM को पल्स पोलियो अभियान के बारे में बताया गया। अधिकारी मुकेश चौधरी ने बताया कि 10 दिसंबर से पल्स पोलियो अभियान प्रारंभ हो रहा है। यह भी सामने आया कि बूथ केंद्रों पर बच्चों का कवरेज कम होता जा रहा है, ऐसे में अधिक से अधिक बच्चों को दवा पिलाई जाए। अलवर जिले के अंदर 10 दिसंबर से पल्स पोलियो का राउंड है, 10, 11 और 12 दिसंबर को। 10 तारीख को बूथ के ऊपर है, तो इसमें सबसे पहले आज जो मीटिंग थी इसके अंदर जो मेन इश्यू है यही है कि बूथ कवरेज लगातार कम होता जा रहा है, तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मोबिलाइज करें बूथ के ऊपर, और बूथ के ऊपर ही बच्चों को पिलाएं तो लगभग एक अच्छा मैसेज कम्युनिटी में जाएगा, तो इसके लिए बात हुई है। इसके अलावा जो दूसरे और तीसरे दिन की बात है, दूसरे और तीसरे दिन हमारी टीम घर घर जाकर पोलियो की दवाई पिलाएंगी, तो सारे घर, कोई भी घर छूटे नहीं उस टीम से, और उस घरों के अंदर जितने भी बच्चे हैं उन समस्त को घर घर जाकर हम दवाई पिलाएंगे। रामगढ़ बार एसोसिएशन के चुनाव शुक्रवार को निर्वाचन अधिकारी रामसाय गुर्जर के सानिध्य में संपन्न हुए। अन्य कार्यकारिणी को पूर्व में ही निर्विरोध घोषित कर दिया गया था और केवल अध्यक्ष पद को लेकर मतदान किया गया। इसमें धर्मपाल मेघवाल 12 वोटों से विजयी रहे। शपथ ग्रहण के मौके पर वकीलों ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष और कार्यकारिणी का साफा बांधकर स्वागत किया। इस मौके पर एडवोकेट राजकुमार यादव, राकेश यादव, दिनेश शर्मा, फखरुद्दीन खान, ओम प्रकाश चौहान, लाखन शर्मा और राजेश जैन आदि मौजूद रहे। वहीं रामगढ़ मेघवाल समाज की ओर से रामजी लाल के नेतृत्व में अध्यक्ष धर्मपाल मेघवाल का साफा बांधकर स्वागत किया गया। इस मौके पर सेवाराम मेघवाल, गोदाराम वाल्मीकि और गेंदराम मेघवाल आदि की मौजूदगी रही। 8/12/24 को अभिभाषक संघ रामगढ़ के चुनाव संपन्न कराए गए, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 3 उम्मीदवार थे, जिसमें धर्मपाल मेघवाल जी को 34 मत मिले और मुजीबुर रहमान जी को 21 मत प्राप्त हुए और राजूराम सामरिया जी को 2 मत प्राप्त हुए। धर्मपाल मेघवाल जी को 13 वोटों से विजयी घोषित किया गया और बाकी सदस्य, उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी, कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव और कार्यकारिणी के सदस्य निर्भर हो चुके हैं। रामगढ़ अभिभाषक संघ का चुनाव हुआ, इसमें मतदान शांतिपूर्ण हुआ। धर्मपाल मेघवाल जी विजयी हुए, मुजीबुर रहमान 21 मत प्राप्त हुए और धर्मपाल जी को 34 मत प्राप्त हुए, 2 मत राजू सावरी जी को प्राप्त हुए। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए टिल टीम। सखी महिला दुग्ध उत्पादन संस्थान ने अपनी अलग पहचान बनाई है। यह अलवर जिले में महिलाओं के स्वामित्व वाली अपनी कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना वर्ष 2016 में 10 महिला सदस्यों के साथ हुई थी। वर्तमान में यह संस्था 900 गांवों में 40,000 महिला सदस्यों को जोड़कर लगभग 2,00,000 लीटर दुग्ध का उत्पादन करने के साथ ही सदस्यों को लाभान्वित कर रही है। इसके साथ ही अलवर शहर में मिल्क वेंडिंग मशीन के जरिए करीब 3,500 लोगों को लगभग 10,000 लीटर दूध उनके घरों पर सप्लाई किया जा रहा है। साथ ही हर माह बाजार में करीब 35 MT घी भी सप्लाई हो रहा है। पिछली बार दीपावली पर लगभग 40 MT रसगुल्लों की सप्लाई हुई थी। इस बार संस्था ने 60 MT रसगुल्लों और 20 MT गुलाब जामुन सप्लाई का लक्ष्य निर्धारित किया है। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स बजाजा बाजार अलवर। फोन नंबर 01442338653 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहां आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड जसवंत राय से पहले कटी घाटी अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और वहीं अभिभाषक संघ लक्ष्मणगढ़ की नवीन कार्यकारिणी के लिए शुक्रवार को मतदान संपन्न हुआ। इसमें अध्यक्ष के लिए एडवोकेट रतन सिंह राजपूत 17 मतों से विजयी रहे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट आलोक शर्मा और सहायक निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट कुलदीप सिंह ने यह जानकारी दी। कोषाध्यक्ष पद पर नितिन जैन सिर्फ एक मत से कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। गौरतलब है कि सचिव एडवोकेट फिरोज खान और उपाध्यक्ष जितेंद्र चौधरी पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। वहीं वकीलों द्वारा नव निर्वाचित अध्यक्ष रतन सिंह सहित अन्य सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। किसी प्रकार का कोई भेदभाव का काम है वो तो खत्म हो गया। हार जीत तो पूरी बार की जीत है, पूरी बार की ही हार है। और जीत का उद्देश्य ये है कि बार ने जिसे भी जिताया वो सभी बार का प्रतिनिधि हो जाता है, सभी बार का अध्यक्ष हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको बार बार धन्यवाद देता हूँ। आगे मैं अपनी नीतियों के बारे में पहले ही बार यहाँ कह चुका हूँ, पता नहीं था कि मेरा ही नंबर आ जाएगा। मैं जिस भी व्यक्ति को बनाऊँ वो बाहर के इंटरेस्ट में, बाहर के हित में काम करे, यहाँ की बाहर की उन्नति के लिए जो भी प्रयास हो वो प्रयास करें, तभी बाहर का संगठन और निर्वाचन का मतलब है। वो सारी बातें बाहर वाले जब की मीटिंग में होगी जो भी चीज़ बताएंगे उनको मैं बाहर की आज्ञा मान करके उनका पालन करूँगा। माननीय हाईकोर्ट की अनुशंसा पर एवं बार काउंसिल के निर्देश पर लक्ष्मणगढ़ बार काउंसिल के चुनाव आज संपन्न हुए, जिसमें अध्यक्ष पद पर श्री रतन सिंह राजपूत एवं रजनीश कटारा के बीच मुकाबला रहा, जिनमें रजनीश कटारा को कुल 29 मत प्राप्त हुए और रतन सिंह जी को 46 मत प्राप्त हुए। इस आधार पर श्री रतन सिंह जी को 17 मतों से विजयी घोषित किया गया। दूसरे पद पर कैशियर के लिए चुनाव संपन्न किए गए, जिनमें योगेश सैनी को 36 मत प्राप्त हुए एवं श्री नितिन जैन को 37 मत प्राप्त हुए। उनके आधार पर एक मत से श्री नितिन जैन को विजयी घोषित किया गया। श्री फिरोज खान एडवोकेट सचिव पद पर एवं श्री जितेंद्र सिंह चौधरी डीजी उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध घोषित किए गए। श्री राजपूत राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के विरोध में शुक्रवार को खैरतल बंद रहा। साथ ही कस्बे में जुलूस निकाला गया। इस दौरान भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। जुलूस का समापन जिला कलेक्टर कार्यालय पर किया गया। साथ ही मृतक गोगामेड़ी को शहीद का दर्जा देने और उन अन्य मृतक के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई। इसे लेकर सहायक कलेक्टर ओम प्रकाश सारण को ज्ञापन दिया गया है। इस दौरान संयुक्त व्यापार महासंघ अध्यक्ष ओम प्रकाश रोघा, खैरतल करणी सेना अध्यक्ष नरेंद्र सिंह चौहान, संग्राम सिंह शेखावत, शंकर सिंह चौहान, जितेंद्र सिंह तंवर और विनोद सिंह आदि उपस्थित रहे। शान के
गोगा मैरी के ऑर्डर के उपलक्ष्य में आज सब हम व्यापारियों से और आम छत्तीस जनता से निवेदन कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं कि ऐसा आप लोगों के साथ भी हो सकता है। वो वीर नहीं गद्दार थे जो पीछे से घर में घुस करके गोली मार के गई, फांसी की सजा नहीं हो जाए। जो जय ये समाज के लिए नहीं पूरे भारत के लिए एक प्रतिष्ठा थी। इन्होंने जो कार्य किया वो वास्तव में बहुत सुंदर कार्य था। हर बिरादरी इनके लिए सारे समाज थी। संपूर्ण व्यापार मंडल का हमारे साथ सहयोग रहा, इन लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया। दादा सुखदेव की जो निर्मम हत्या की गई है उसके निवम पे हमने ये काम किया और हमारी यही मांग है कि दादा की पूरी फैमिली को जैड सुरक्षा दी जाए और उनके परिवार को सरकारी जॉब दिया जाए। लेकिन ये तय है कि उनको धोखे से मारा गया, वो इस तरह से जाने वाले नहीं थे। जिस तरह एक मिलने वाले आदमी ने उनसे परिचित होकर टाइम लेकर शादी का कार्ड देने के बहाने अंदर जाके उनकी हत्या की है, ये बहुत निंदनीय है, बहुत शर्मनाक है। और चाहे सरकार किसकी भी हो, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को जेल के सलाखों के पीछे डाला जाए। स्वामी ध्यानगिरी महाराज के 32वीं बरसी उत्सव की तैयारियों को लेकर खैरतल में बैठक हुई। आनंद नगर कॉलोनी स्थित गुरु मंगलगिरी संन्यास आश्रम में स्वामी गोविंदगिरी महाराज के सानिध्य में बैठक आयोजित की गई। पूज्य सिंधी पंचायत अलवर के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश रोगा ने बताया कि 13 और 14 जनवरी को 2 दिवसीय विशाल मेले का आयोजन होगा। इसके अलावा 7 जनवरी को सुबह 9 बजे से रक्तदान शिविर लगेगा। इसके लिए व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सभी सेवादारों को दी गई है। वही इस दौरान लालचंद रोगा, मनोहर लाल रोगा, जेठानंद लखानी, गिरधारी लाल ज्ञानानी, गोपाल दास पेशवानी, विजय बच्चानी और घनश्याम दास भारती आदि मौजूद रहे। तिजारा आधार केंद्र पर काम नहीं होने से लोग परेशान हैं। संचालक मोनू सरोलिया ने बताया कि उपखंड में 3 दिन से आधार केंद्र पर कार्य नहीं हो रहे, ऐसे में लोग मायूस होकर लौट रहे हैं। साथ ही आधार सेंटर संचालक भी परेशान हैं। उन्होंने बताया कि UIDAI डिपार्टमेंट की तरफ से अपडेट आधार के नए सॉफ्टवेयर ने दिक्कत बढ़ा दी है। सॉफ्टवेयर तो बदल गया लेकिन पुरानी मशीनरी को नहीं बदला गया। विश्वविख्यात जादूगर शिव कुमार 10 दिसंबर से धारूहेड़ा में अपनी जादुई कला का प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने शुक्रवार को धारूहेड़ा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक के पास पत्रकार वार्ता की। उन्होंने बताया कि दरअसल जादू कोई चमत्कार या दैवीय शक्ति नहीं है बल्कि हाथ की सफाई से जुड़ी प्राचीन कला है। गौरतलब है कि जादूगर शिव कुमार को एशिया प्राइड अवार्ड, राष्ट्र गौरव और राठ डायमंड अवार्ड सहित कई सम्मान मिल चुके हैं। उन्होंने जादू को ललित कला में शामिल कर सरकारी प्रोत्साहन पर भी जोर दिया। वहीं इस दौरान मोतीलाल यादव, हवा सिंह दहिया और संजय बागड़ी आदि मौजूद रहे। देश का जो हमारी एक विरासत की कला लुप्त होने की कगार पे है, देश के अंदर हम चंद जादूगर इस कला को जिंदा रखने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और लोगों से जुड़ रहे हैं। वर्षों से सरकार से हमारी मांग है कि इस कला को ललित कला का दर्जा दिया जाए, इस कला को कला का दर्जा दिया जाए और ललित कला का दर्जा दे के ये घर घर तक पहुँचे और बहुत से बच्चों को, लड़कों को, युवाओं को रोजगार मिले। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के विरोध में राजपूत समाज के आह्वान पर गुरुवार को खेरली कस्बा बंद रहा। इस दौरान शिक्षण संस्थान और सब्जी मंडी आदि भी बंद रहे। बंद को विभिन्न व्यापारिक संगठनों और समाजों ने समर्थन दिया था। इससे पूर्व मुख्य बाजार में पंचायती मंदिर पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। वक्ताओं ने इस हत्याकांड पर रोष जाहिर करते हुए आरोपियों को फांसी और आश्रितों को मुआवजा देने की मांग की। इस मौके पर राजपूत शिक्षा समिति के अध्यक्ष गोपाल सिंह मंगोलाकी सहित गोपाल सिंह नरूका, करनी सेना के अध्यक्ष दीनदयाल नरूका, नगर पालिका खेड़ली के चेयरमैन संजय गीजगढ़िया, श्री व्यापार समिति के अध्यक्ष प्रमोद बंसल मौजूद रहे। साथ ही राजपूत सभा के अध्यक्ष भूपेंद्र नरूका, कांग्रेस प्रत्याशी संजना जाटव, विधायक प्रतिनिधि भजन खींची और राजकुमार पंडा आदि मौजूद रहे। इस मौके पर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई, साथ ही जुलूस निकाला गया। और अब बात करते हैं कठुमर की, जहां क्षेत्र के कांकरोली स्कूल में 123 बच्चों को जर्सी एवं मोजे वितरित किए गए। इसके लिए वरिष्ठ अध्यापिका स्नेहलता ने पहल की थी। वहीं भामाशाह के रूप में इस कार्य के लिए स्टाफ सदस्यों ने स्नेहलता का आभार जताया। इस मौके पर प्रधानाचार्य संतोष शर्मा, संतोष गर्ग, कमल सिंह,
भजनलाल शर्मा, नटवर सिंह, बच्चू सिंह और सुरेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे। कांकरौली विद्यालय में 2018 से कार्यरत हूँ और मुझे बच्चों के लिए कुछ न कुछ करने की प्रेरणा अपने परिवार से मिलती रही है और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं मेरा पूरा जीवन बच्चों के हित में, भलाई में ही कार्य करता रहे। उच्च माध्यमिक विद्यालय कांकरौली की छात्रा और छात्रों को हमारे इस विद्यालय की वरिष्ठ अध्यापिका श्रीमती स्नेहलता मैडम के द्वारा गर्म वस्त्रों का वितरण किया गया है, जिसमें जर्सी और मोजे शामिल हैं। इस तरह से 83 बच्चों को इन्होंने जर्सी और मोजे वितरित किए हैं। हमारी हिंदी में एक दोहा है कि चिड़ी चोंच भर ले गई घटा न तिल भर नीर, और दान दिए धन ना घटे कह गए दास कबीर। तो ये कहावत उनके ऊपर सटीक बैठ रही है। ये हर साल इसी तरह से बच्चों को गर्म वस्त्र वितरित करती हैं। हम इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। निश्चित रूप से पूरा विद्यालय परिवार इनको धन्यवाद ज्ञापित करता है। किशनगढ़ वास में उत्पन्ना एकादशी पर पूर्व प्रधान पद्मश्री सूर्य सिद्धदेव बारेठ के निवास के बाहर केसर युक्त दूध का वितरण हुआ। उनके पौत्र एडवोकेट जनमेजय सिंह बारेठ और एडवोकेट जानकी देवी ने सुधीर पालावत के नेतृत्व में कार्यक्रम किया। एडवोकेट बारेठ ने बताया कि मार्गशीर्ष माह की पहली एकादशी उत्पन्ना एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना होती है, साथ ही इस एकादशी का व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होने की मान्यता है। उन्होंने बताया कि सर्दी के मौसम को देखते हुए प्रसाद के रूप में सैकड़ों राहगीरों को केसर युक्त दुग्ध का वितरण किया गया है। आज एकादशी का पावन पर्व था और उस पर्व के उपलक्ष्य में हम लोगों को यहाँ सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म दूध, बादाम, पिस्ता ये सब डाल के पिला रहे हैं, जिससे बड़ा हर्षोल्लास का माहौल यहाँ बना हुआ है। इससे हमें भी हर्ष खुशी मिल रही है और हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें सम्मिलित हों और ज्यादा से ज्यादा लोग दूध पिए। कांग्रेस नेता शादी खां के अनुसार अलवर जिले में कांग्रेस मजबूत है और इसका फायदा विधानसभा चुनाव में मिला है। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस का प्रत्याशी विजयी होगा। शादी खां के अनुसार इस बार 11 में से 6 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को विजय मिली है, साथ ही अन्य सीटों पर भी कम मार्जिन से पार्टी हारी है। कांग्रेस मजबूत हुई है निसंदेह। पहले 5 सीट आई थी, अब की दफा अलवर जिले में 6 सीट आई हैं और बहुत कम मार्जिन से सीट हारी है कांग्रेस। बिल्कुल जीतने के करीब कांग्रेस थी, तो निश्चित लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत रहेगी और लोकसभा चुनाव कांग्रेस जीतेगी। सर, भारत जोड़ो यात्रा का लाभ भी क्या लोकसभा चुनाव में मिलेगा राहुल गांधी? मिलेगा। स्कूली बच्चों को रेलवे सुरक्षा से संबंधित जानकारी देकर जागरूक बनाया गया। हरसौली कस्बे के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल और उच्च माध्यमिक विद्यालय में आरपीएफ के सौजन्य से प्रभारी नीतू बैरागी के नेतृत्व में उपयोगी जानकारी दी गई। उन्हें विधिक जागरूकता के अलावा रेलवे से जुड़ी विभिन्न जानकारी से अवगत कराया गया। इसके अलावा चलती गाड़ी में अनावश्यक रूप से चेन नहीं खींचने, ट्रेन पर पत्थर न मारने, पायदान पर बैठकर यात्रा नहीं करने आदि के बारे में बताया गया। इसके अलावा कोई घटना होने पर इसकी जानकारी 139 पर देने की सलाह दी गई। वहीं इस मौके पर एएसआई श्रीराम मीणा, हेड कांस्टेबल रामेश्वर सिंह, प्रधानाध्यापक अजय गुप्ता आदि मौजूद रहे। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। शादी और बर्थडे कार्यक्रमों की बुकिंग के बाद होटल कर्मी 10 लाख लेकर हुआ फरार। मोती डूंगरी स्थित लेमनेड होटल के प्रबंधक ने करवाई एफआईआर। बहरोड रोड पर 6 बीघा जमीन से हटाई अवैध प्लॉटिंग, यूआईटी दल ने चलाया बुलडोजर। महंत बालकनाथ को सीएम बनाने की मांग पर सरपंचों ने किया हवन यज्ञ, हनुमान सर्किल मंदिर पर हुआ आयोजन। वहीं राजस्थान के लिए राजनाथ सिंह सहित बनाए 3 पर्यवेक्षक। और रिश्वतखोर एएसआई को 4 साल के लिए भेजा जेल, रैनी क्षेत्र में रिश्वत मांगने के आरोप में एसीबी कोर्ट ने सुनाई सजा। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जन को इजाजत, नमस्कार। खबरें,
जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ETL TV, भरोसा अलवर का।